नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सब लोग अच्छी प्रकार से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं जय होम गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो आपके लिए आज पौधा लेके आया हूं वो दोस्तों एक आम का पौधा है, जिस पौधे का नाम है वस्त्रा मैंगो। जी हां दोस्तों, एक वर्ष में कम से कम 2 से 3 बार ये फल देता है और ये ज़्यादा फल देने के कारण इस पौधे की हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती गमले में। ज़मीन में ये पौधा कम से कम 8 से 10 फुट तक जा सकता है। तो दोस्तों, वस्त्रा मैंगो के पौधे पर ये पूरा वीडियो आज का है और मैं यही कहूँगा पूरा देखिए, स्किप ना कीजिए, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इससे पहले चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि होम गार्डनिंग रिलेटेड वीडियो समय समय पर मैं सबको दिखाता रहूँ। तो बिना देरी करते हुए वीडियो करता हूँ। वस्त्रा मैंगो का पौधा आप देख सकते हैं, इसकी हाइट कम से कम 2 फुट होगी और इसकी खासियत दोस्तों ये है कि ये साल में कम से कम 2 से 3 बार फल देता है और अगर ज़मीन में लगा हो तो ये कम से कम 10 से 15 फुट तक जाता है और गमले में लगा हो तो ये करीब 5 से 6 फुट तक जाता है। 2 से 3 बार फल देने के कारण दोस्तों इसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती। जब तक ये पौधा 5 से 6 फीट का होगा तब तक आपको 5-6 साल लग जाएंगे और इसमें आप बहुत बार फल ले चुके होंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके आसपास की नर्सरी में अगर ये वस्त्रा मैंगो का पौधा आपको मिल जाए तो आप अपने गमले में या ज़मीन पर दोनों ही जगह लगा सकते हैं। तो आज इसका मैं प्लांटेशन करके गमले में दिखाने वाला हूँ। यही कहूँगा पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो पॉट है 16 इंच का पॉट है और इसमें देखिए ड्रेनेज के लिए काफ़ी होल्स हैं। मैं इसमें गमले के टूटे हुए टुकड़े रखूँगा और दोस्तों आप देख सकते हैं ये आम की सूखी हुई पत्तियाँ नीचे की लेयर मैं इसी से बनाऊँगा और 50% दोस्तों ये गार्डन सॉयल है, आप देख सकते हैं गार्डन सॉयल। दोस्तों, इसमें 20% जो है मैं गोबर की 2 साल पुरानी खाद मेरे पास है, मैं इसका यूज़ करूँगा। और ये देख सकते हैं दोस्तों ये वर्मी कंपोस्ट है, करीब इसमें 10% वर्मी कंपोस्ट यूज़ करूँगा और 10% दोस्तों कोकोपीट यानी रिवर सेंड की जगह इस बार मैं कोकोपीट का प्रयोग कर रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं कोकोपीट 10% कोकोपीट का प्रयोग करूँगा। दोस्तों, आप इसमें साफ फंगिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं 2 चम्मच। दोस्तों, इसमें मैं 10% नीम की खली, देखिए दोस्तों नीम की खली है और 10% यानी 2 से 3 पैकेट इसमें ये डालूँगा नीम की खली। और दोस्तों, इसमें जो लोग चाहें बोन मील का प्रयोग कर सकते हैं जो कि फलदार पौधों के लिए बहुत बढ़िया होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बोन मील फिलहाल ये ऑप्शनल है, जो लोग चाहें वो कर सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए सॉयल मिक्सचर है और इसको कम से कम 3 से 4 बार मिलाना है, जैसे मैं मिला रहा हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कम से कम 3 से 4 बार इसको मिक्सिंग करनी है और इसमें जो खरपतवार होती है दोस्तों उसको भी आपको निकाल के फेंकना है, ये देखिए, ताकि इसमें कोई फंगस ना लगे और ऐसे ही मिलाना है। ये गमले के टुकड़े मैंने टूटे हुए इस होल्स पर रख दिए हैं ताकि जो है इसके अंदर से खाद मिट्टी बाहर ना बहे पानी के साथ, और आपको भी ऐसे ही करना है। दोस्तों, अब इसमें जो है हम नीचे की जो लेयर है पत्तियों की लगा देंगे ऐसे ही, देखिए दोस्तों ये देखिए, बाद में ये पानी से भीग भीग कर दोस्तों ये भी ये कंपोस्ट खाद में तब्दील हो गया जो है काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसको जो है इस पॉट में डालेंगे, आप देख लीजिए ये 16 इंच का पॉट है। दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं मैं जो है इस पॉट को फिल कर रहा हूं और धीरे धीरे करके आपको इस पॉट को पूरा करीब ऊपर से देखा जाए तो 1/2 फुट छोड़ के पूरा भर देना है, आप देख रहे होंगे। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये एक पॉली बैग में है और इसको मैं पॉली बैग से अलग कर रहा हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये इसकी दोस्तों रूट बॉल को ज़्यादा छेड़ना नहीं है और इसको बहुत ही आसानी से आपको अलग करना है। और ये देखिए काफ़ी इसमें जड़ें इसकी बाहर आ रही हैं तो मैं इसको बहुत ही आसानी से छुड़ा देता हूँ, ये देखिए। दोस्तों, ये देखिए अलग हो चुका है और इसकी थोड़ी सी दोस्तों साइड की मिट्टी को जो है हम थोड़ा उखाड़ देंगे बिना रूट बाल को डिस्टर्ब किए, आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसको ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो इसकी जड़ें होती हैं इसमें बंधन ना हो, इसकी जड़ें रास्ता खुल जाए। और दोस्तों, ऐसे ही आपको कर लेना है। और दोस्तों, अब इसमें जो है हम एक गमले में देखिए गड्ढा बनाएंगे ऐसे, दोस्तों कोशिश करेंगे जो इसका ग्राफ्टेड पोर्शन है ये ऊपर होना चाहिए और ग्राफ्टेड पोर्शन जो है मिट्टी के ऊपर ही रहना चाहिए तभी ये प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो कर सकेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मैंने वस्त्रा मैंगो का पौधा गमले में लगा के बहुत ही आसानी से सभी व्यूवर्स को दिखा दिया है। दोस्तों, आप भी ऐसे ही
वस्त्र मैंगो का पौधा गमले में ढेरों आम पा सकते हैं दोस्तों। ये एक बारहमासी आम की वैरायटी है और जो धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। ये वस्त्र मैंगो का पौधा मैंने 16 इंच के पॉट में लगा के आपको दिखा दिया है। इसकी वाटरिंग की बात करूँगा, इसमें अब पानी डाल के आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये प्लांट लग के तैयार हो चुका है और इसमें हम अब वाटरिंग करेंगे और वाटरिंग आपको बहुत ही आराम से इसमें पानी देना है दोस्तों, क्योंकि पानी इसमें बहुत सोखता है स्टार्टिंग में। तो ऐसा नहीं है कि आप एक या दो लीटर पानी डाल के छोड़ देंगे दोस्तों, इसमें कम से कम 3 से 4 लीटर पानी देना है, बहुत धीरे धीरे देना है। ये देखिए दोस्तों मैं पानी दे के दिखा रहा हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ कि वस्त्र मैंगो पर बना ये वीडियो आप सभी दोस्तों को पसंद आएगा और इस टेक्निक से आप भी मैंगो प्लांट लगा सकते हैं। तो आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।